तो जय हिंद गाइज, आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी डाइस को लेकर, यानी कि ये जो आपका पासा होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि पासा बहुत ही सिंपल जो टॉपिक होता है और हर एक एग्जाम में, यानी कि जो एसएससी का एग्जाम होने वाला है उसमें एक दो क्वेश्चन जो आने के फुल जो चांसेज रहते हैं। ये जो आपके डाइस जो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल ही आसान, जो आपका इस आसान भाषा में इसको समझेंगे और बहुत ही अच्छे से जो है इसको डीपली से अध्ययन कर लेते हैं। गाइज क्या होता है, ये जो पासा होता है, कभी जो आपको एक पासा दिया हुआ होगा उसके अलावा कभी आपको दो पासा दिए हुए होंगे, उसके अलावा कभी आपको एक ही पासा दिया होगा, लेकिन उसकी आपकी छह सतह होती हैं, वो छह सतह आपको शो होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये जो आपका पासा होता है, यानी कि ये जो आपका डाइस होता है, इसको बेसिक से हम जो आपका कर लेते हैं। ये जो आपका डाइस जिसको आप कहते हैं आपका पासा, ये जो आपका डाइस जिसको आप कहते हैं पासा, तो इसको जो आप पहले समझ लेते हैं कि ये जो आखिर क्या होता है। तो इसको समझने से पहले आपको जो है क्या करना होगा, ये जो आपका पासा होता है गाइस, ये देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये जो आपका बना होता है, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो आपके सामने ऐसे जो बना हुआ होगा और उसमें कुछ अंक जो है लिखे हुए होंगे, हो सकता है आपका 1 2 3, कुछ इस प्रकार से ये जो आपका पासा होता है। अब जो आपको एक बात जो है ध्यान रखनी चाहिए, ये जो पासा होता है वो छह जो सतह होती हैं, तो छह आयताकार जो है आपके आकृति होती हैं उनसे जो है बनता है। तो ये जो आपका आयताकार या फिर आपका वर्गाकार, तो इसमें जो सतह जो होती हैं आपकी, कि आपकी सतह है जिसको आप सरफेस कहते हैं, वो कितनी होती हैं, वो आपकी छह होती हैं। ये आपको जो है बेसिक जो है ध्यान रखना है। उसके अलावा इसमें जो आपके कोने होते हैं, कोने वो कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 8, यानी कि 8 जो आपके कोने होते हैं। उसके अलावा होते हैं इसमें आपके किनारे, ये जो बेसिक है लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो आपके किनारे कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 12। तो ये जो आपको पता चल गया, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका पासा होता है वो कितने किस टाइप से जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो होता है आपका वो बंद पासा होता है, उसके अलावा एक होता है आपका खुला पासा होता है। तो चलिए ये भी जो हम समझ लेते हैं, यानी कि ये जो आपका पासा होता है, ये जो डाइस, यानी ये जो आपका डाइस, ये जो इसके जो है दो टाइप बनते हैं, यानी ये जो इसके कितने टाइप बनते हैं, वो बनते हैं आपके दो टाइप। एक जो होता है वो आपका होता है क्लोज्ड डाइस, जिसको आप कहते हैं दोस्तों बंद पासा, ये जो बंद आपका बंद पासा, इसको बंद पासा, ये जो कैसा होता है, जो मैंने आपको अभी जो बताया था बना के, ये जो कुछ इस प्रकार से जो होगा, ये जो आप देख सकते हैं इसमें जो है अंक जो है बने हुए होंगे आपका 1 2 3 या कुछ और भी हो सकते हैं। उसके अलावा एक होता है आपका ओपन डाइस, ये जो ओपन डाइस जिसको आप कहते हैं खुला पासा, खुला पासा, तो इसमें जो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे जो आपको कोई भी जो है इस प्रकार से जो है सीधी लाइन जो है इस प्रकार से आपको बना देगा, जैसा कि गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो है कुछ इस प्रकार से डाल देगा, ये जो है आपके छः बना देगा और इसमें आपके छः अंक जो आपका लिख देगा और पूछ लेगा बताइए कि कौन किसके अपोजिट होगा, यानी इसमें लिख देगा आपका 2 4 3 1, उसके अलावा आपका 5, इस प्रकार से जो है अंक जो है लिख देगा और पूछ लेगा कि बताइए कि इसके अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा या फिर आपके 4 के विपरीत जो है क्या होगा। तो ये जो आपको पता चल गया, तो इसमें जो है इसका इसको जो है बाद में हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपका क्लोज डाइस होता है, इसको जो है हम अच्छे से जो है पढ़ लेते हैं। तो इसको जो है मैं हटा देता हूँ, यानी इसको जो है मैं हटा देता हूँ। अब आता है आपका बंद पासा। बंद पासा भी जो है दोस्तों वो आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, यानी जिसको कहते हैं आप मानक पासा, उसके अलावा एक होता है आपका जनरल डाइस, जिसको कहते हैं आपका सामान्य पासा, जैसा कि ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है, ये जो आपका सामान्य पासा, और आपका जो यानी एक कौन सा होता है आपका जनरल डाइस, जनरल डाइस जिसको आप कहते हैं सामान्य पासा, ये जो होता है आपका सामान्य पासा, और एक होता है आपका वो होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस जिसको कहते हैं हम मानक पासा। अब जिन दोनों में जो क्या अंतर होता है, मानक पासा, ये जो आपको समझ लेना चाहिए, ये जो आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है इसमें क्या होता है कि किसी के विपरीत कोई सा भी अंक हो सकता है, कोई जो है आपका पता नहीं है कि कौन किसके अपोजिट होगा, कोई सा भी हो सकता है। लेकिन ये जो आपका मानक पासा होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, इसमें आपको हमेशा जो है ध्यान रखना होगा, ये जो कुछ इस ऐसे जो है बना हुआ होता है इस प्रकार से, इसमें हमेशा एक के अपोजिट कितना होगा, वो आपका 6 होगा,
उसके अलावा आपका दो के अपोजिट हमेशा पाँच होगा और तीन के अपोजिट जो है हमेशा आपका चार होगा। यानी ये जो आप देख सकते हैं इन दोनों का मान जो होता है विपरीत और आपके सामने वाले का और विपरीत वाले का वो हमेशा आपका सात होगा, जैसा कि यहाँ पर जो हो रहा है आपका ये जो आपका सात हो रहा है। लेकिन इसके लिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो निजदी की दो आपका निकटवर्ती सतह जो होती हैं इनके अंकों का मान कभी भी सात जो है नहीं होगा। अगर सात हो जाता है तो वो आपका सामान्य पासा है, यानी कि आपका स्टैंडर्ड डाइस वो आपका नहीं है, वो कौन सा है आपका जनरल डाइस है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो और अच्छे से आपको समझा देता हूँ, यानी इसको जो मैं हटाता हूँ। अब जो गाइज मैं यहाँ पर जो दो पासा लिख देता हूँ, एक आपका जनरल डाइस ये जो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा बन गया है, यानी छोटे छोटे जो है दो मैं बना देता हूँ पासा, ये जो आप देख सकते हैं एक पासा बना देता हूँ मैं स्टैंडर्ड डाइस और एक बना देता हूँ आपका जनरल डाइस, ये जो आप देख सकते हैं दो पासा। इसमें क्या हुआ आपका यहाँ पर हो सकता है आपका एक दो तीन या कुछ और भी नंबर हो सकते हैं, इसमें हो सकता है आपका तीन पाँच उसके अलावा आपका चार। अब जो इन दोनों में फर्क क्या है, इसका आप कभी भी जो है दोनों का ऐड करें, एक और दो को ऐड करें तो कभी भी जो आपका एक और दो को ऐड करें तो कभी भी आपका सात नहीं होगा। आपका दो और तीन को ऐड करें कभी भी आपका सात नहीं होगा। एक और आपका दो को यानी कि आपका एक और तीन को ऐड करें तो कभी भी जो आपका सात नहीं होगा। तो ये जो कौन सा पासा है वो दोस्तों आपका हो जाएगा मानक पासा, यानी कौन सा पासा मानक पासा। और इस पासे की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि दोनों को आप जोड़ेंगे, तीन और चार को जोड़ेंगे तो कितना हो गया तीन प्लस चार बराबर सात, यानी कि ये जो आपका मानक पासा तो नहीं है, यानी मानक पासा तो नहीं है, ये जो मानक पासा नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपसे पूछे कि बताइए कि कौन किसके अपोजिट होगा, बताइए चार के विपरीत जो होगा वो आपका क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान रहे जो अंक आपके सामने ये जो तीन अंक आपको यहाँ पर दिखते हैं तीन अंक, तो वो जो आपका किसी के भी अपोजिट कोई सा भी अंक नहीं हो सकता, यानी आपका तीन के विपरीत आपका चार जो है वो आपका नहीं हो सकता, उसके अलावा आपका पाँच के विपरीत चार जो है नहीं हो सकता, उसके अलावा आपके चार के विपरीत जो आपका पाँच नहीं हो सकता, यानी कि आपका तीन के विपरीत ये जो तीन है इसके विपरीत जो आपका पाँच नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सो रहे हैं। अब आपको बताएं कि चार के विपरीत जो है क्या हो सकता है, तो चार के विपरीत आपका एक हो सकता है जो कि आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यानी एक जो आपको दिख नहीं रहा है एक हो सकता है, उसके अलावा दो हो सकता है जो कि आपको नहीं दिख रहा है, उसके अलावा आपका छः हो सकता है। ये जो फुल डिपेंड करते हैं वो आपके ऑप्शन पर जो है डिपेंड करते हैं कि चार के विपरीत जो होगा वो आपका क्या होगा। अब बात आती है कि इसमें अगर पूछ लेता कि बताइए एक के विपरीत क्या होगा, तो इसमें मैंने जो आपको बताया था कि एक के विपरीत जो रहता है वो हमेशा कितना रहता है छः रहता है, दो के विपरीत जो हमेशा पाँच रहता है और तीन के विपरीत हमेशा आपका चार रहता है, जिससे कि इन दोनों का जो जोड़ वो कितना हो जाता है वो आपका सात हो जाता है, विपरीत सतह और आपके सामने वाली सतह। तो ये जो अंतर होता है, अब जो कुछ क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि और आपको जो बताने होंगे कि बताइए किसके विपरीत जो होगा किसके अपोजिट होगा वो आपका क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन लिख देता हूँ, यानी ये जो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ, ये जो आपका बना देता हूँ, यानी कि आप क्वेश्चन खुद बना सकते हैं, ये जो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है लिख देता हूँ और आपसे जो है बताएंगे, ये जो आपका तो पाँच उसके अलावा आपका चार और आपका एक, बताइए कि आपके पाँच जो है पाँच के विपरीत, पाँच के विपरीत क्या होगा क्या होगा। ये जो आपका क्वेश्चन है चाहे तो आप वीडियो को स्किप जो है करने के बाद आप खुद से जो है बनाने की कोशिश करना। तो इसमें जो आपको एक बात तो कॉमन जो है दिख रही होगी गाइज कि ये जो दोनों को मिलाएंगे तो आपके नौ हो जाएंगे, जो कि आपका सात नहीं हो रहा है, इनको मिलाकर के भी आपका सात नहीं हो रहा है और इसको मिलाकर के भी जो आपका सात नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको कॉमन चीज जो दिख रही है वो दिख रही है कि ये जो पासा है आपका वो आपका कैसा पासा है, वो आपका मानक पासा है, यानी ये जो आपका पासा जो है वो आपका मानक पासा है। और मानक पासा का रूल जो हमेशा कहता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपका एक के विपरीत कितना होता है छः, दो के विपरीत कितना होता है पाँच और तीन के विपरीत हमेशा आपका चार होता है। तो इसमें से आप जो है पूछा क्या है पाँच, तो पाँच के विपरीत जो होगा वो कितना होगा वो आपका दो होगा। तो ये जो है इसका जो है आंसर है वो चुका है कि दो जो है पाँच के अपोजिट जो होगा वो कितना होगा दो होगा। एक क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर और लिखता हूँ और उसको जो आप खुद से जो है बनाने की कोशिश करना,
यानी ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया, चलिए इसमें जो है लिख दिया छः, उसमें जो आपका पाँच और आपका दो, बताइए, या फिर जो आप इसमें जो है एक कर सकते हैं, बताइए कि आपके दो के आपके पाँच के, यानी पाँच के नहीं, आप जो है कह सकते हैं छः के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। आप जो है आपके सामने जो क्वेश्चन है और आप जो खुद से कर सकते हैं कि बताइए ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है छः के अपोजिट जो होगा वो आपका क्या होगा। तो छः के अपोजिट आपको देखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखनी है कि ये जो आपका मानक पासा तो नहीं है, तो मानक पासा देखने के लिए दो निकटवर्ती सतहें जो होती हैं उनका योग को जो आपको ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं, तो छः और एक करें तो सात हो जाएगा, जो कि आपका स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, यानी कि आपका छः और एक को जोड़ा है तो कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा, जो कि आपका मानक पासा तो नहीं है, यानी ये जो आपका मानक पासा नहीं है। अब जो आप फिर कैसा हो सकता है, वो आपका साधारण पासा जो है हो सकता है, तो साधारण पासा के लिए आपको क्या करना होता है, छः के विपरीत जो आप देख सकते हैं वो पुल जो है आपका एग्जाम्पल जो होता है आपका ऑप्शन होता है उस पर डिपेंड रहता है ये पुल, तो इसके लिए जो आपका एक के विपरीत आपका छः के विपरीत आपका एक नहीं हो सकता, उसके अलावा पाँच नहीं हो सकता, तो फिर आपका दो हो सकता है, तीन हो सकता है या चार हो सकता है, इनमें से कोई भी जो है आपका छः के विपरीत तीनों में से जो है हो सकता है, यानी ये जो दोनों होते हैं वो आपके बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाते हैं, वो आपके नहीं हो सकते क्योंकि वो साइड में जो आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं और जो जो यहाँ पर जो दिख रहे हैं तीनों, तो वो एक दूसरे के अपोजिट कभी भी जो है नहीं हो सकते, ये बात आपको जो है ध्यान रखना। अब जो है बात आती है कि ये जो आपका क्या है आपका इसके विपरीत दो तीन या फिर आपका चार कोई सा भी हो सकता है। अब जो है मैं यहाँ पर जो बता देता हूँ एक क्वेश्चन लास्ट जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और उसमें जो है मैं आपको ऑप्शन भी जो है देने वाला हूँ, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपका यहाँ पर चार उसके अलावा दो उसके अलावा तीन। अब जो आप बताइए कि ये जो चार है चार के विपरीत जो है चार के विपरीत कौन होगा, चार के विपरीत कौन होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सिंपल से इजीली कर सकते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है मैंने थोड़ी देर पहले ही जो आपको कराया है तो उसको आप कर सकते हैं। इसको आपको सबसे पहले जो आपकी नजर जानी चाहिए वो इन तीनों अंकों पर जानी चाहिए, क्या इन तीनों अंकों को जोड़कर यानी दो अंक को जोड़कर क्या सात बन रहा है, अगर सात बन रहा होगा तो आप कह सकते हैं कि ये जो मानक पासा जो होता है वो वाला नियम यहाँ पर नहीं लगेगा कि एक के विपरीत छः दो के विपरीत पाँच और चार के विपरीत तीन, ये जो नियम आपका नहीं लगेगा ये बात आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो फिर आपका नियम लगेगा वो आपका कौन सा लगेगा, वो लगेगा आपका कि ये जो दोनों साइड में आपको यहाँ पर दिखते हैं वो दोनों तो नहीं हो सकते, उन दोनों को छोड़कर कोई सा भी अंक हो सकता है और वो जो आप ऑप्शन में देखकर आप टिक कर सकते हैं और आप जो आंसर बता सकते हैं। तो अब जो आप चार के विपरीत जो आप क्या कह सकते हैं, ये जो आपका चार है तो चार के विपरीत दो और तीन को छोड़कर आपका जो चार हो सकता है, आपका ये जो पाँच हो सकता है, एक हो सकता है, उसके अलावा छः हो सकता है, तो इन तीनों में से कोई सा भी अंक हो सकता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके डाइस में आते हैं और कभी कभी आपको जो कॉमन जो आपका नंबर आपको फाइंड करना होता है वो करना पड़ता है जब आपको जो है यहाँ पर दो डाइस यहाँ पर दिए गए हों, यानी कि आपको दो पासा, तो चलिए वो एक क्वेश्चन में यहाँ पर वो भी जो है बता देता हूँ आपको कि दो पासा जो आपको कभी कभी दिए जाते हैं तो दो पासा वाला क्वेश्चन आए तो आप जो है कैसे करना है। तो वो क्वेश्चन यहाँ पर जो है चलिए मैं ये कुछ इस प्रकार से जो है बना देता हूँ, ऐसे जो आपका दो डाइस जो है बना देता हूँ, यानी ये जो देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार के जो है इसमें जो है लिख देता हूँ आपका पाँच उसके अलावा इसमें जो है आपका दो और पाँच और एक। अब जो है मैं इसमें भी लिख देता हूँ आपका छः चार और आपका एक। अब जो है बताइए इसमें जो आपसे पूछा है कि बताइए कि आपके छः जो है छः के विपरीत क्या होगा, यानी छः के विपरीत जो आपसे पूछा है कि छः के विपरीत जो होगा वो आपका क्या होगा बताइए।
तो इसमें जो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो आपके कॉमन अंक होते हैं, क्या इन दोनों में आपको कोई सा भी कॉमन अंक दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा, ये जो देख सकते हैं एक, जो कि आपका इसमें भी है और आपका इसमें भी है। तो सबसे पहले आपको एक को लिखना है। उसके अलावा आपको इसको जो क्लॉकवाइज होता है यानी घड़ी की दिशा, इस प्रकार से जो आपको यहाँ पर घुमा देना है, यानी इसको आपको एक लिख लिया। उसके अलावा आपको पाँच लिखना है, ये जो पाँच। उसके अलावा आपको दो लिखना है, दो। अब जो है ठीक इसी प्रकार से ये वाला नियम इसमें लगाना है, ये वाला नियम आप इसमें लगाएंगे, यानी कि आपको एक लिखना है। उसके अलावा आपको कितना लिखना है? चार। तो इसके अलावा आपको इसमें जो है चार लिखना है। उसके अलावा कितना है आपका? छः। तो आपको यहाँ पर जो है ये बिल्कुल जो दिख गई कि ये जो आपका छः के विपरीत कितना होगा आपका? दो होगा। पाँच के विपरीत कितना होगा? चार होगा। और एक के विपरीत जो है एक नहीं होगा, क्योंकि एक तो अकेला ही है ना। तो इसके लिए आपको जो नंबर है इसमें जो आपको नहीं दिख रहा है, तो वो कितना नंबर है? वो आपका तीन है। तो तीन जो होगा एक के अपोजिट हो जाएगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं जो कि आपको करने होते हैं, तो बिल्कुल जो ये जो पासा है वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो ऐसी जो आपकी क्लास है, उसके अलावा नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो कुछ ये जो खुला पासा होता है कुछ इस प्रकार से जो आपको दिखता है उससे रिलेटेड होने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर से कर लें, और वो भी जो है बहुत ही शानदार जो क्लास होगी, तो उसमें आपका उसको भी देख लें तो फुल जो आपका डाइस जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।